आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। तो आज है होली का दूसरा दिन और हम लोग जा रहे हैं पाली से 20 किलोमीटर दूर है एक छोटा सा गांव जीतड़ा। तो वहाँ है कृष्णा भगवान का मंदिर। तो आज के दिन क्या होता है, द्वारका मंदिर बंद होता है और जीतड़ा मंदिर में उनकी झांकी निकाली जाती है। तो हम लोग जा रहे हैं मम्मी वगैरह। तो ये देखो आज होली का पूरा सीन देखो, पूरा गुलाल गुलाल हो गया यहाँ पे। तो आज लेके जा रहे हैं हम रेड चेरी को। होली राम 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 सा गणन गणन। तो मैं हूँ, मम्मी है और सोनिया है। हम लोग जा रहे हैं मंदिर और अभी सो के तो उठे ही थे, वैसे तो सकल से लग ही रहा है आप लोगों को। तो ये देखो पूरा सुनसान है, ये देखो ये हमारे बजरंग बाग रोड। मौसम बहुत जोरदार हो रखा है बजरंग बली। सभी को राधे राधे। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक बधाई। तो घर से निकलकर हम लोग आ गए हैं जीतड़ा, जो कि है राजस्थान के पाली जिले की रोहित तहसील में। तो ये है यहाँ का मेन एंट्रेंस, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, श्री द्वारका देश। इसको राजस्थान का छोटा द्वारका भी बोला जाता है। तो मेन एंट्रेंस से अंदर आते ही आगे द्वारका देश झांकी में विराजमान होकर मंदिर की ओर जा रहे थे और हमने भी इसमें शामिल हुए और झांकी का आनंद उठाया। जय द्वारकाधीश। तो यहाँ की मान्यता ये है कि द्वारकाधीश स्वयं द्वारका से होली के अगले दिन यानी धुलंडी को द्वारका से जीतड़ा पधारते हैं। और यहाँ की मान्यता ये भी है कि यहाँ पे जब द्वारकाधीश अपनी सवारी में विराजमान होकर तालाब में स्नान करने के लिए जाते हैं, तो तालाब पर पहुँचते ही वहाँ का पानी का जल स्तर अपने आप बढ़ जाता है, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। बोलो द्वारकाधीश की जय हो, बोलो राधा रानी की जय हो। जीतड़ा के जान राय मंदिर का अपना एक अलग ही महत्व है। होली के दूसरे दिन धुलंडी के दिन द्वारकाधीश के आने की खुशी में यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। इस दिन द्वारका मंदिर के पाट एक दिन के लिए बंद किए जाते हैं और वहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है कि आज द्वारकाधीश जीतड़ा पधारे हैं, जिस खुशी में गाँव वासियों द्वारा मेले का बड़ी धूमधाम से आयोजन किया जाता है। बच्चों के लिए
झांकी में पुरुषों द्वारा तलवार तथा लट से नृत्य किया जाता है। तो ये है जान राय मंदिर का प्रवेश द्वार। यहाँ की मान्यता ये है कि कुबाजी महाराज की तपस्या से प्रसन्न होकर द्वारकाधीश जीतड़ा आए थे, तभी से यहाँ पर मेला भरता है। धुलंडी के दिन जान राय मंदिर को बहुत अच्छे से
राधे रानी की जय हो। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। तो द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद हम लोग गए ठाकुर जी के मंदिर, और ठाकुर जी के दर्शन करके हम लोग यहाँ से घर को रवाना हो गए। तो अगर आज का ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और लास्ट में जय द्वारकाधीश, जय राधा रानी। बोलो राधा रानी की जय हो।